पाकिस्तान सुपर लीग के सातवें एडिशन के पहले ही मैच में पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग के ओपनर शर्जील खान के लंबे तरीन छक्के ग्राउंड से बाहर गेंद पहुंचा दी। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि शर्जील खान ने किस तरह से बैटिंग की है, तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। आपको शर्जील खान की मुकम्मल डिटेल तो देता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सवाल है कि शर्जील खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शर्जील खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करनी चाहिए, तो आपने कमेंट बार में लिखना है यस। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, शर्जील खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं होना चाहिए, तो आपने कमेंट बार में लिखना है नो। लेकिन आप सब ने कमेंट जरूर करना है, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। ओपनिंग स्टार शर्जील खान ने आज PSL के पहले ही मैच में 31 गेंदों पर 43 रन बनाए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग स्टार शर्जील खान ने आज पाकिस्तान सुपर लीग के सातवें एडिशन के पहले ही मैच में 3 लंबे तरीन छक्के और 3 चौके भी मारे हैं। इसके साथ साथ आज शर्जील खान ने एक छक्का इतना लंबा मारा कि वो सीधा ग्राउंड की छत पर जाकर लगा। इसके साथ साथ आज मजमूई तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग ने कोई खाते खा कारकर्दगी तो नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी मेरा आप सबसे एक छोटा सवाल है कि आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी। आपने अपनी राय से हमें कमेंट बार में जरूर आगाह करना है।